नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया खबर के ऑडियो बुलेटिन में। कॉन्स्टिट्यूशन डे पर संसद में कार्यक्रम का विपक्ष ने किया बहिष्कार, नाराज लोकसभा स्पीकर, बोले ये पीएम या पार्टी नहीं, संसद का था कार्यक्रम। जैसलमेर में भारतीय सेना का दक्षिण शक्ति युद्ध अभ्यास, तीनों सेना और पुलिस के करीब 30,000 जवान हुए शामिल। योगेंद्र यादव बोले सरकार ने 11 बार किसानों से बातचीत की, 12वीं बार भी करते तो फैसला हो जाता। प्रियंका गांधी का तंज, कहा अन्नदाताओं पर अत्याचार और अहंकार के लिए जानी जाएगी बीजेपी सरकार। एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश को सेना ने किया नाकाम, एक पाकिस्तानी आतंकवादी ढेर हथियार बरामद। किसान आंदोलन के एक साल होने पर बोले अरविंद केजरीवाल, प्रदर्शनकारियों के जज्बे को करता हूं सलाम। भारी ऋण के बोझ तले दबा पाकिस्तान, पहली बार कर्ज 50 ट्रिलियन रुपए के हुआ पार। शेयर बाजार के लिए आज का दिन रहा ब्लैक फ्राइडे, सेंसेक्स 1700 और निफ्टी 513 अंकों की भारी गिरावट के साथ हुआ बंद। पैट कमिंस बने ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट कप्तान, 65 साल में पहली बार किसी तेज गेंदबाज को मिली जिम्मेदारी। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की फिल्म 83 के ट्रेलर से पहले दमदार टीजर रिलीज, क्रिकेट के ऐतिहासिक पल की देखी झलक। ये थे अब तक के मुख्य समाचार, खबरों में बने रहने के लिए देखते रहे इंडिया खबर।